नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी मेरा। और मैं डॉक्टर तनुजा आज आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी में दोनों में ही पूछा जाता है, तो ये सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटोजोआ क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लासिफिकेशन कैसा होता है और किस तरह से ये डिजीज कॉज करते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में भी। आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में और इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपके साथ में इमेज शेयर की है प्रोटोजोआ की, तो ये किस तरह से दिखते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिपैनोसोमा है, यूग्लीना है एंड लेशमानिया है। तो ये सारे प्रोटोजोआ जो है कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि डिजीज कॉज करने में भी कई सारे यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा इमेज के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अब हम इन इमेज के साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कवरी से। तो डिस्कवरी इसकी जो थी सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने की थी। ल्यूवेन हॉक ने जब माइक्रोस्कोप देखा तो उसने माइक्रोस्कोप में बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोटोजोआ को भी देखा। तो प्रोटोजोआ जब उसने देखे तो उसने देखा कि प्रोटोजोआ तीन टाइप के मतलब इन्होंने देखे, जो कि फ्री लिविंग भी देखे इन्होंने और पैरासिटिक फॉर्म्स भी देखी और इन्होंने अपने स्टूल में से भी प्रोटोजोआ को देखा। तो वो प्रोटोजोआ का जो डिस्कवरी है, डिस्कवरर है, वो ल्यूवेन हॉक को ही माना जाता है। तो आप ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए कि एंटन वॉन ल्यूवेन हॉक ने प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था और सबसे पहले माइक्रोस्कोप में इसको देखा था। नेक्स्ट नाम जो आपको याद करना है वो है डोबेल का। डोबेल ने इसको बोला था ए सेलुलर। सेलुलर क्यों बोला था, क्योंकि ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और सारा जो फंक्शन होता है लाइफ का वो सिंगल सेल में ही हो जाता है, इसीलिए इसको डोबेल ने ए सेलुलर कहा था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो है गोल्डफस। गोल्डफस ने जो टर्म प्रोटोजोआ था वो यूज किया था। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। टर्म प्रोटोजोआ जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड प्रोटो मतलब फर्स्ट, जॉन्स मतलब एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि फर्स्ट इस अर्थ पर आए थे, प्रिमिटिव एनिमल्स उनको हम बोल सकते हैं। तो ये होते हैं प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोलॉजिस्ट जो इसको स्टडी करते हैं। तो आइए अब चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ में सबसे पहले हम देखते हैं इनका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है प्रोटोजोआ। दो जो और इसके अलावा जो लार्जेस्ट फाइलम है, नंबर वन पे तो आपको पता ही है कि हमारे इंसेक्ट आते हैं, आर्थ्रोपोडा आता है। सेकेंड नंबर पे मॉलस्क आते हैं और थर्ड नंबर पे हमारे जो है ये प्रोटोजोआ आता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए। अराउंड 65,000 स्पीसीज जो है इसकी पाई जाती हैं, अभी तक खोजी गई हैं, और भी बहुत ज्यादा होंगी लेकिन अभी तक इतनी ही खोजी गई हैं। नियरली इसमें से 7,000 जो है वो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, मतलब पैरासिटिक फॉर्म्स उसको हम कंसिडर किया करते हैं अभी तक जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ये जो मोस्टली होते हैं प्रोटोजोआ फ्री लिविंग होते हैं, के अलावा ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं और कॉमेंसलिस्टिक भी हो सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में, कॉमेंसलिस्टिक भी हो सकते हैं। और जो ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में तो रहते ही हैं प्रोटोजोआ, लेकिन मोस्टली ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज जूप्लैंकटन, द फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ओशियंस। जूप्लैंकटन जो है वो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ओशियन के सबसे ज्यादा जो है ये प्रोटोजोआ ही होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर जो है आपको पता ही है कि ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, और डोबेल ने इनको ए सेलुलर भी कहा था। तो आप ये दोनों टर्म याद कर लीजिए, यूनिसेलुलर एंड ए सेलुलर, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनका जो साइज होता है वो 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, लेस देन 50 माइक्रोमीटर होता है इनका साइज। और जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटोजोआ का वो कैसा होता है, ये होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है इसका उसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि खाना भी उससे खाता है, रेस्पिरेशन भी उससे करता है, रिप्रोडक्शन भी उसी से करता है, सब कुछ एक ही सेल में होता है, इसीलिए इसके प्रोटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप याद करिए कि प्रोटोजोआ ही है जिनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सम स्पीशीज सॉरी दे मोस्टली हैव वन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन दिस सेल। मोस्टली तो इनमें वन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनमें सम स्पीशीज जो है वो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म भी शो करते हैं,
जैसे कि सिलिएट्स हो गए, तो मैं इसके बारे में आगे बताऊंगी। इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव होता है, बाकी ये काम करता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो दो टाइप का होता है, वेसिकुलर न्यूक्लियस एंड कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस। वेसिकुलर न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए वेसिकुलर न्यूक्लियस जो है वेसिकल की तरह हो गया, यानी कि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, क्रोमेटिन मटेरियल कम है। कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें क्रोमेटिन मटेरियल ज्यादा होता है और वाटर कंटेंट जो है वो कम होता है। तो इस तरह से जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उसमें दो टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, वेसिकुलर न्यूक्लियस एंड कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस। ये आप इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे हम कुछ अपवाद देख लेते हैं न्यूक्लियस के। तो सम स्पीसीज कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्पीसीज हैविंग टू सिमिलर न्यूक्लियस। अब ये भी पूछा जाता है कि ऐसी स्पीसीज जो कि जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं प्रोटोजोआंस में लेकिन सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर जो होते हैं ये गियार्डिया और हेक्सामिटा में होते हैं, इसमें सिमिलर न्यूक्लियस होते हैं दोनों। और जो डिसिमिलर न्यूक्लियस होते हैं वो सिलियोफोरा में होते हैं, यानी कि जो हमारे सिलिएट्स होते हैं जैसे कि बैलेंटीडियम है और पैरामीशियम है, इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जो कि डिसिमिलर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में काम करता है, मैक्रो न्यूक्लियस वेजिटेटिव होता है। तो इस तरह से यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। बॉडी कवर, अब हम सॉरी यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा की बात करते हैं। जो ट्रिपेनोसोमा होता है, जो न्यूक्लियस होता है इसका, गवर्न द जनरल लाइफ ऑफ द सेल्स। द न्यूक्लियस ट्रोपोन्यूक्लियस होता है इसमें, गवर्न द जनरल लाइफ ऑफ सेल्स एंड अनदर क्रोमेटिन बॉडी, जो इसकी अलग से क्रोमेटिन बॉडी है, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेली। तो इसमें दो टाइप का काम हो गया, लोकोमोशन भी कर रहा है न्यूक्लियस और बाकी के जनरल फंक्शन भी कर रहा है। तो ये कौन हो गया, ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बॉडी कवरिंग की। तो मोस्टली इसमें देखा जाता है कि बॉडी कवर जो है वो पेलिकल का होता है, और पेलिकल यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि पेलिकल किसकी बनी होती है। तो पेलिकल जो है यहाँ पे वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की बनी होती है। आपको ये याद रखना है कि पेलिकल किसकी बनी होती है। पेलिकल इज बॉडी कवरिंग एंड इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसका दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक्टोप्लाज्म यानी कि आउटर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। तो आउटर वाला एक्टोप्लाज्म जो है उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, तो वो कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। अंदर वाला जो है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कैसा रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, वो सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है। सम ऑफ द प्रोटोजोआ हैव साइटोस्टोम फॉर इंजेस्टिंग फूड, साइटोस्टोम पाया जाता है, जैसे कि आप सिलिएट्स में देखते हैं, पैरामीशियम में देखते हैं, साइटोस्टोम की सहायता से वो फूड को इंडल्ज करते हैं और उसको फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं। सिलिएट्स हैव गिलट अ बॉडी कैविटी विच ओपन्स आउटसाइड, ये मैं आपको सिलिएट्स में काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स और बाकी के सारे स्ट्रक्चर जो एक यूकेरियोटिक सेल में होते हैं, वो सारे मोस्टली इसमें पाए जाते हैं। बॉडी सिमेट्री की अगर बात करें, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है ना, ये बहुत डाइवर्स टाइप के एनिमल्स हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग ही शेप और साइज और अलग अलग ही टाइप के हैं। कोई सिलिएट है, कोई फ्लैजिलेट है, कोई मतलब अमीबा है, किसी कोई शेप ही नहीं है। तो इस तरह से जो यहाँ पे देखा जाता है कि जो बॉडी सिमेट्री इसकी कितने टाइप की होती है, सिमेट्रिकल होती है, जो कि एक्टिनोपोडियंस में देखी जाती है, रेडियल हो सकती है, सेसाइल फॉर्म्स में रेडियल देखी जाती है, बाइलेटरल हो सकती है, और जैसे डीआरडीआ में, और एब्सेंट यानी कि नो बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री जानते हैं ना आप, एक बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल है तो दो में डिवाइड हो जाएगी, रेडियल है तो कहीं से भी काटो उसको सेम रहेगा। तो इस तरह से अमीबा में तो बॉडी सिमेट्री देखी ही नहीं जाती है। तो ये सारी बात रही हमारी इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और मुझे लगता है कि काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि जो उसमें किस टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कैसे होती है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और कौन कौन से इसके अपवाद हैं जो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। पेलिकल किसकी बनी होती है, तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म दो टाइप का होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बॉडी सिमेट्री जो है वो कई टाइप की होती है, सिमेट्रिकल, रेडियल, बाइलेटरल एंड कभी कभी नहीं भी होती, जैसे कि अमीबा में। नेक्स्ट हम आते हैं लोकोमोशन पे। लोकोमोशन जो होता है इसका, इसके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको लोकोमोटरी ऑर्गन्स बोला जाता है, जैसे कि सूडोपोडिया है, फ्लैजिला है, सीलिया है, और जिनके पास ये नहीं होता वो बाकी कुछ और भी कर लेते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू लोकोमोशन कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, वो इनके मूवमेंट के लोकोमोशन के आधार पर ही किया गया है, जो कि मैं आपको क्लासिफिकेशन में काफी अच्छे से सारे मूवमेंट एक्सप्लेन करूंगी।
यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ग्लाइडिंग मूवमेंट सीन इन टॉक्सोप्लाज्मा एंड सार्कोसिस्टिस, ये आपको याद रखना है। ये सब पूछा जाता है कि ग्लाइडिंग मूवमेंट किसमें होता है, तो ये टॉक्सोप्लाज्मा में होता है, सार्कोसिस्टिस में होता है एंड अदर फॉर्म्स विच डू नॉट पॉसेसिस एनी फ्लैजिला और सीलिया। ठीक है, तो मेन ये दो हैं इनको आप याद रखिए, टॉक्सोप्लाज्मा एंड सार्कोसिस्टिस। स्यूडोपोडिया जो है सार्कोडीना, यानी कि जो स्यूडोपोडिया अमीबा, अमीबा जो है वो किसका है, सार्कोडीना का। तो सार्कोडीना के जो एनिमल्स हैं उसमें स्यूडोपोडिया होता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिला जो है वो मास्टिगोफोरा में मिलता है। तो आप ये देखिए, सार्कोडीना हो गया, क्लास इसका मास्टिगोफोरा हो गया, ये सारे हम याद करेंगे किसमें, क्लासिफिकेशन में। तो लोकोमोशन को पूरा याद हो जाने वाला है कि कौन कौन से एनिमल्स में किस किस टाइप का लोकोमोशन मिलता है, क्लासिफिकेशन में हम सब याद कर लेंगे। फ्लैजिला के थ्रू भी होता है, जैसे कि आपका युगलीना हो गया। अब फ्लैजिला की बात करें तो जो फ्लैजिला होती है, इट इज कम्पोज ऑफ अ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट द एक्सोनिम सराउंडेड बाय अ कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोप्लाज्मिक शीट। आपको ये याद रखना है कि एक्सोनिम की बनी होती है सराउंडेड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोप्लाज्मिक शीट। जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि 9+2 अरेंजमेंट होता है इसमें, इसके माइक्रोट्यूबुल का, इसके फ्लैजिला में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि इसका जो माइक्रोट्यूबुल का कौन सा अरेंजमेंट इसमें मिलता है प्रोटोजोआ में, तो वो 9+2 का अरेंजमेंट मिलता है, जो कि हमको एनिमल के स्पर्म सेल में भी दिखता है। नेक्स्ट हम आते हैं सीलिया पे। तो सीलिया जो है वो इट इज अ फाइन प्रोटोप्लाज्मिक आईलेस लाइक ऑर्गेनिली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ बेसल ग्रेन्यूल एम्बेडेड इन द पेलिकल और एक्टोप्लाज्म। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सीलिया कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये पेलिकल और एक्टोप्लाज्म के बीच में से निकलता है सीलिया। ठीक है, इट अकर्स इन सीलिएट्स। सीलिया, सीलिएट्स लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जितने भी सीलिएट्स हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पता ही है कि लोकोमोशन के साथ साथ में फूड के इंजेशन में भी हेल्प करता है, इस तरह से टेंटिकल्स को ही ऐसे ऐसे हिला के उसको फूड को अंदर अपने इंजेस्ट करता है। नेक्स्ट स्पोरोजोआ, दे डोंट हैव एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो इनके क्या, इनके पास क्या होता है, सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूबुल्स, पेलिकल के नीचे माइक्रोट्यूबुल्स निकलती हैं और वो थोड़ा सा इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं स्पोरोजोआ के एनिमल्स में। फ्लैजिला एंड सीलिया आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ग्रेगराइन लोकोमोशन दिखता है मोनोसिस्टिस में, याद रखना है ग्रेगराइन लोकोमोशन किसमें होता है, मोनोसिस्टिस, याद रख लीजिए इसको, मोनोसिस्टिस ग्रेगराइन लोकोमोशन। अब मेजोरिटी ऑफ जो लोकोमोशन के हिसाब से देख ले तो सोलिटरी होते हैं मोस्टली ये, लेकिन कॉलोनियल फॉर्म्स भी मिल जाती हैं इसके अंदर, तो ये दोनों ही सही है कि सोलिटरी मोस्टली होते हैं, रेयरली कॉलोनियल होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन पे। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका, तो इसमें तीन टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोफिटिक, होलोजॉइक एंड सैप्रोजॉइक। होलोफिटिक का मतलब है कि यहाँ पे ये खुद ही अपना फूड बना लेते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, किसमें, क्रोमेटोफोर में। क्रोमेटोफोर जो है वो क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लांट्स में होता है, उसी तरह से क्रोमेटोफोर के अंदर क्लोरोफिल होता है और वहां से ये खुद ही फूड बना लेते हैं। तो ये बहुत ही कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, और ये जैसे कि जो फ्लैजिलेट्स हैं, यूलिना है, उसमें मिलता है मोस्टली। नेक्स्ट होलोजॉइक प्रोटोजोआ, मोस्टली होलोजॉइक होते हैं, पूरा का पूरा जो है मतलब ऑर्गेनिज्म ही अपनी सेल के अंदर ले लेते हैं स्यूडोपोडिया की सहायता से या बाकी ऑर्गेनिज्म की सहायता से। और नेक्स्ट आता है सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक तो आपको पता ही है कि किस तरह से ये सेप्रोजोइक जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल लेते हैं, तो ये जो इनका फूड मटेरियल होता है ये डिजॉल्व फॉर्म में रहता है सेप्रोजोइक जो है, और फिर अपनी जनरल बॉडी सरफेस से उस डिजॉल्व फॉर्म के फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डाइजेशन जो होता है इनमें मोस्टली इंट्रा सेलुलर होता है, लेकिन कुछ फॉर्म जैसे कि युगलीना में मैंने आपको बताया कि मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, तो उसमें मतलब मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है कि दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जब उसका मन करता है फोटोसिंथेसिस कर लेता है, जब उसका मन करता है वो खाना खा लेता है, जो है बाकी के चीज़ों को खा लेता है, प्लैंकटन को खा लेता है। दे यूजुअली लैक द कैपेबिलिटी फॉर फोटोसिंथेसिस, जनरली नहीं होता है इसमें, लेकिन युगलीना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं युगलीना जो है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है तो हम उसको कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं एनिमल और प्लांट का। एक्सचेंज जो है इनके जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो जनरली जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, मोस्टली दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म है वो एनरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में और एनिमल ह्यूमन में जो पैरासाइट रहते हैं वो एनरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ये आपको याद रखना है कि मोस्टली परफॉर्म करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन जो पैरासाइट होते हैं वो एनरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रेशन अकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब जो इनका एक्सक्रेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, अब जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यहाँ पे क्या काम होता है प्रोटोजोअन्स में, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, वाटर बैलेंस करना बॉडी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है इसीलिए इसको, क्योंकि वाटर बैलेंस कर रही है, तो ये एनालॉगस टू किडनी, हमारी जो किडनी होती है उसके एनालॉगस माना जाता है इसको। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर रहे हैं इसके एक्सक्रेशन की, तो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल क्या होता है इसका, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल इसका अमोनिया होता है। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप का होता है, मोस्टली इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सॉरी मैंने यहाँ पे सेक्सुअल लिख दिया है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली इसमें, और रेयरली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मोस्टली इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से होता है, फिशन के द्वारा। फिशन का मतलब होता है टूटना। फिशन कितने टाइप का होता है, इसमें बाइनरी फिशन होता है जैसे अमीबा में, ट्रांसफर फिशन सिलिएट्स में, लॉन्गिट्यूडनल फिशन किसमें होता है, फ्लैजिलेट्स में, ऑब्लिक फिशन होता है सिरेटियम में, बडिंग भी होती है जो कि इफ्लोटा में होती है और वर्टिसेला में बडिंग बडिंग के थ्रू होता है। ये आपको सारे एग्जाम्पल याद करने हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मल्टीपल फिशन होता है जो कि पैरासिटिक इंट्रासेलुलर फॉर्म होती हैं, उसमें मल्टीपल फिशन होता है, जैसे आपका प्लाज्मोडियम है उसमें मल्टीपल फिशन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, लेकिन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक सिंगेमी और कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, जैसे कि आपने देखा ही है पैरामीशियम में, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो है न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो जाता है, माइक्रो न्यूक्लियस का। और सिनगैमी, सिनगैमी जो है वो दो टाइप की होती है, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी, यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन। सिनगैमी, सिनगैमी में क्या होता है कि आइसोगैमी में सिमिलर गैमेट्स रहते हैं, एनाइसोगैमी में डिससिमिलर गैमेट्स रहते हैं। तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन, आपको दोनों याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल में क्या इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ साइकिल में हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, सिस्ट स्टेज इंपॉर्टेंट है। सिस्ट स्टेज को हम डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्रोटोजोअन्स हैं वो सिस्ट स्टेज में रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ट्रोफोजॉइट स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि इसको एडल्ट स्टेज भी कहा जाता है, ट्रोफोजॉइट स्टेज। और यही स्टेज है जो कि इन्फेक्शियस होती है। जी हाँ, यही स्टेज जो है ट्रोफोजॉइट जो है ये इन्फेक्शन फैलाती है। तो आपको ये सब याद रखना है कि किस तरह से ये इन्फेक्शियस फॉर्म ट्रोफोजॉइट होती है, और सिस्ट स्टेज होती है वो एक तरह से डॉर्मेंट स्टेज होती है। अब रिप्रोडक्शन देखें इसमें, तो हम क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, इनमें दो सेक्स की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये इनमें मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, इनकी बॉडी रीजनरेट कर जाती है। कहीं से भी इनकी बॉडी टूटती है, लेकिन अगर उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो पार्ट जो है उसका दोबारा से एक नया बॉडी कॉज बना लेता है। तो इस तरह से इनमें मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, इसीलिए इनको नो नेचुरल डेथ फाइलम बोलते हैं। सपोज हमारी बॉडी का कोई पार्ट निकल के हमारे जैसा एक ऑर्गन फिर से बना ले, ठीक है, तो क्या होगा, डेथ ही नहीं हुई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नो नेचुरल डेथ फाइलम। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। अब हम मैं कुछ यहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ, जो कि मुझे लगता है कि प्रोटोजोआ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय ग्रेजिंग ऑन सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। दे रेगुलेट बैक्टीरियल पॉपुलेशन एंड मेंटेन देम इन अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल यूथ। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटोजोअन जो है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फॉस्फोरस साइकिल में, यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्प करते हैं और प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो प्रोटोजोअन एक्सक्रीट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम एंड ऑर्थोफॉस्फेट, जो कि आगे सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं। दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जहाँ पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एड किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वहां पे प्रोटोजोअन्स जो है वो एड किए जाते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, वाटर को क्लीन करने में। बहुत सारे सिलिएट्स ऐसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एंडोसिम्बायोटिक एल्गी रखते हैं ये अपने अंदर, एग्जाम्पल मीजोडेनियम रुब्रम, जिसमें क्या होता है रेड पिगमेंट होता है और ये अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, यानी कि इनको फूड की जरूरत नहीं होती। कुछ सिलिएट जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, वो फाइटोप्लैंकटन्स को अलग जो फ्लैजिलेट्स हैं उनको खा लेते हैं और वो फ्लैजिलेट्स उनके लिए फूड बना देता है। उस तरह से जो प्रोटोजोअन ग्रेजिंग है हमारे फाइटोप्लैंकटन्स पे, ये बहुत ही कंसिडरेबल है, क्योंकि लगभग 50% फाइटोप्लैंकटन्स जो हैं ओशियन के ये प्रोटोजोअन्स ही खा लेते हैं, और उस तरह से ये जो है
लाइक द सॉइल प्रोटोजोन्स, दीज प्लैंकटॉन प्रोटोजोन्स एनरिच नाइट्रोजन फॉस्फोरस एट अ हाई रेट्स. प्रोटोजोन्स आर अ फंडामेंटल कॉम्पोनेंट इन रिसाइकलिंग ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. नेक्स्ट हम बात करते हैं एनारोबिक प्रोटोजोन्स की, जिनमें हाइड्रोजिनोसोम होता है. ये हाइड्रोजिनोसोम जो है ये हेल्प, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस तरह से ये हाइड्रोजिनोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से इवॉल्व हुआ माना जाता है, और ये हेल्प करते हैं एनारोबिक प्रोटोजोन्स की रेस्पिरेशन में. तो ये बात करी हमने आज प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आए होंगे, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाए. तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आपको पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही पूछा जाएगा. नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगी वो होगा क्लासिफिकेशन के बारे में. तो देखेंगे प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है और कैसे उसके इंपॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में याद किया जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.